बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स अंडर 25,000। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 25,000 रुपए के आसपास है और इस प्राइस रेंज में आप एक बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए 5 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है जिनको आप प्रो फोटोग्राफी, प्रो वीडियोग्राफी, यूट्यूब वीडियोस और ब्लॉगिंग जैसी चीजों के लिए परफेक्टली यूज कर सकते हैं। और जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इन सभी में आपको 108 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सुपर फास्ट प्रोसेसर, 67 वॉट तक की टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्ग लाइफ बैटरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और वर्चुअल रैम एक्सपेंशन जैसे टॉप फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 25,000 रुपए की प्राइस रेंज में आने वाले टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स के बारे में। 5th नंबर पर है Vivo T1 Pro 5G। इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.44 इंचेस की फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है और ये आती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट वाला पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। 4700 mAh की बैटरी कैपेसिटी है जो कि 66 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है और यहाँ पर आपका स्मार्टफोन 18 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है। इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसकी मेन कैमरा फीचर्स में आपको 64 मेगापिक्सल मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और डुअल व्यू जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आप 1080p में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वर्चुअल रैम एक्सपेंशन और 8-लेयर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर वर्क करता है और ये 2 कलर ऑप्शंस में आता है। बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसका 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 23,999 रुपीज में मिल जाता है। 4th नंबर पर है Redmi Note 11 Pro Plus 5G। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि पंच होल वाली डिस्प्ले है और ये आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है जो कि 67 वॉट टर्बो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके मेन कैमरा फीचर्स में आपको HDR मोड, नाइट मोड, लॉन्ग एक्सपोजर और स्लो मोशन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आप 1080p में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 वाला स्क्रीन प्रोटेक्शन, IR ब्लास्टर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, आई केयर डिस्प्ले और AI फेस अनलॉक जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर वर्क करता है और ये 3 कलर ऑप्शंस में आता है। बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसका 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 20,999 रुपीज में मिल जाता है। 3rd नंबर पर है Realme 9 Pro Plus 5G। तो दोस्तों, अगर आप 25,000 रुपए की प्राइस रेंज में Realme की तरफ से आने वाला एक बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो Realme 9 Pro Plus 5G एक बेस्ट ऑप्शन है। इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि पंच होल वाली डिस्प्ले है और ये आती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 920 चिपसेट वाला पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी है जो कि 60 वॉट सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके मेन कैमरा फीचर्स में आपको बहुत सारे प्रो फोटोग्राफिक और प्रो वीडियोग्राफिक मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर सोनी IMX766 वाला कैमरा सेंसर यूज किया गया है और यहाँ पर आपको OIS और 1080p में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बात करें इस स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 वाला स्क्रीन प्रोटेक्शन, डायनेमिक रैम एक्सपेंशन और वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर वर्क करता है और ये 3 कलर ऑप्शंस में आता है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो इसका 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 25,999 रुपीज में मिल जाता है। 2nd नंबर पर है Samsung Galaxy M53 5G। तो दोस्तों, अगर आप 25,000 रुपीज में सैमसंग की तरफ से आने वाला एक बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी M53 को चेकआउट कर सकते हैं।
इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की फुल एसडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि पंच होल वाली डिस्प्ले है और यह आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 चिपसेट वाला पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है जो कि 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके मेन कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एसडीआर मोड, ऑब्जेक्ट इरेजर, लॉन्ग एक्सपोजर और फोटो रिमास्टर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको 4K में अल्ट्रा एसडी वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वाला स्क्रीन प्रोटेक्शन, वर्चुअल रैम एक्सपेंशन और वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर वर्क करता है और ये 3 कलर ऑप्शंस में आता है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो इसका 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 26,499 रुपीज में मिल जाता है। फर्स्ट नंबर पर है Xiaomi 11i 5G हाइपरचार्ज। इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल एसडी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि पंच होल वाली डिस्प्ले है और यह आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 चिपसेट वाला पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी है जो कि 120 वॉट हाइपरचार्ज क्विक चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है और यहाँ पर आपका स्मार्टफोन सिर्फ 15 मिनट में 100% तक चार्ज हो जाता है। इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके मेन कैमरा फीचर्स में आपको बहुत सारे प्रो फोटोग्राफिक और प्रो वीडियोग्राफिक मोड्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आप 4K में अल्ट्रा एसडी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 वाला स्क्रीन प्रोटेक्शन, IR ब्लास्टर, वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम और डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर वर्क करता है और ये 4 कलर ऑप्शंस में आता है। बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो इसका 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 23,999 रुपीज में मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे 25,000 रुपए की प्राइस रेंज में आने वाले टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स। इन सभी के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे इनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।